You're a superhero. इतना तुमको चाहोगी देख लेना, इतना तुमको हो जाओगी देख लेना, देख लेना। ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आप भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, इस वीडियो को हम बनाएंगे काइन मास्टर ऐप से। अगर आप काइन मास्टर ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे मटेरियल्स वाले लिंक पर क्लिक करके जाके डाउनलोड कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सो गाइस, अगर आपको ये सीखना है कि लिरिक्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। ओके फिलहाल के लिए हम आज की जो एडिटिंग प्रीव्यू वीडियो था उसका एडिटिंग हम सीखते हैं। तो आपको काइन मास्टर में आ जाना है, देन क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेकंड नंबर का साइज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना है, फिल करना है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी फोटो है आप अपनी फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस मैं अपनी फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस इधर मेरा फोटो है और यहाँ पे मैं अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस ये मेरा फोटो है, मैं किधर गया मेरा फोटो। और गाइज मैं अपनी फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जो मेरे को अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं इस फोटो को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से, जो भी आपका फोटो अच्छा लग रहा है उस फोटो को आप सिलेक्ट कर लेना। एंड गाइज इसका जो लेंथ बढ़ा के एंटर कर देना है, मतलब अपने वीडियो के हिसाब से 12 सेकंड के आसपास हमारा वीडियो का लेंथ रहने वाला है, तो आपको उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा मत रखना। सो गाइज फिर आपको करना क्या है, इसका जो एडजस्टमेंट में जाके एडजस्टमेंट में सेचुरेशन को बढ़ा देना है। सेचुरेशन बढ़ाने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा घटा देना, अगर घटाना चाहते हो तो घटा देना। ओके सो फिर आपको शुरू में आना है, एंड लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको साइडो इमेज को एड करना है, मतलब पीएनजी को एड करना है। इस साइडो पीएनजी का ये लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप इसको एड कर लेना। ओके मतलब डाउनलोड करके यहाँ पे एड कर लेना। सो मैं इसको एड कर लेता हूँ। तो कैसे आपको एड करना है, इसका साइज इस प्रकार से बढ़ाना है, फिर आपको इधर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट निकालना है। पहले इसका जो लेंथ है बढ़ा के एंटर कर देना। ओके इस प्रकार से, एंड इसका डुप्लीकेट निकालना है, डुप्लीकेट वाले को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको मिरर एंड रोटेट, मतलब इस पर आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करोगे ऊपर चला जाएगा, ऊपर आपको करना क्या है, इसको अच्छे से इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। ओके एडजस्ट ये हो जाए, मतलब हो गया, आप लोग देख सकते हो। अगर ये ज़्यादा डार्क हो जाता है तो आपने जो अपनी फोटो का जो बढ़ाया था, मतलब घटाया था लाइट, उसको आप मेंटेन कर देना, मतलब जीरो कर देना। इस प्रकार से हो जाएगा। अब गाइस आपको करना क्या है, शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और सबसे मेन वीडियो जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पर एड कर लेना। सो गाइस मैं इसको यहाँ पर एड कर लेता हूँ। तो आपको इसको यहाँ पर एड करना है। एड करने बाद सिंपली आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको सिंपली स्क्रीन करना है। तो गाइस ये आप लोग देखते हैं इस प्रकार से स्क्रीन हो चुका है, बट हमारा जो लिरिक्स है वो सही से नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण हमारा जो वीडियो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, इसी शैडो इमेज पे क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट निकालना है। डुप्लीकेट निकालने के बाद गाइस करना क्या है, आपको ये वाला जो एरो दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करके इसको इधर रोटेट करना है, और आपको इस साइड अपने फोटो को, मतलब जो है साइडों को रोटेट कर देना है। एंड इसका जो साइज है इस प्रकार से बढ़ा के और यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है, और थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, आपका जो फोटो है वो ज़्यादा मतलब नहीं दिखना चाहिए, जो लिरिक्स है वो दिखना चाहिए, तभी तो देखने में हमारा जो वीडियो है अच्छा लगेगा। ओके सो इतना आपको करना है, फिर आपको इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके इक्वल कर देना है, फिर आपको अपनी इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। जहाँ पर आपको इमेज अच्छा लग रहा है, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पर इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। ओके तो ये आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और जैसे आप इतना कर लोगे इस प्रकार से, सो गाइस जैसे आप कर दोगे इस प्रकार से, जो आपकी वीडियो है बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर आपको शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और आपको इस टेम्पलेट वीडियो को इसमें ऐड करना है। सो गाइस आपको इस टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है, एंड इसका साइज इस प्रकार से बढ़ाना है, और इसका ब्लेंडिंग में जाकर सिंपली स्क्रीन कर देना है। अब जैसे आप इसको स्क्रीन कर दोगे इस प्रकार से हो जाएगा, फिर आपको इसका जो एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस को थोड़ा सा घटा देना है। एंड इसका जो है ना ये एच यू यू ऑप्शन जो है, इसको इधर उधर करके अपने हिसाब से इसका कलर एडजस्ट करना है। मैं वही कलर रखूँगा जो मेरा टेम्पलेट का कलर है, इस प्रकार से न्यून कलर। इसका जो
लेंथ शुरू से रखना। ओके फिर आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है एंड डॉट पे क्लिक करके सेंड बैक कर देना ताकि ये पीछे जा सके। ओके और ये थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। ओके इस प्रकार से आप लोग जैसे कर दोगे आपकी जो वीडियो है बनकर तैयार हो जाएगी। सो फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है, अपने वीडियो को यहाँ पे सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस ये जो प्रीव्यू वीडियो है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, और आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लेना। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।